हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से एक नया ब्लॉग। मैं आज जा रहा हूँ एक जगह, मैं आपको दिखाता हूँ उधर का व्यू कैसा रहता है। और आज संडे है तो आज मैं फ्री हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ और आप ऐसे ही देखते रहिए। तो मैं निकल चुका हूँ अपने सफ़र पे। आप देख सकते हैं चाइना के हाईवेज कैसे दिख रहे हैं। ये अपना फोर लाइन है और मैं अभी अपना फास्टेस्ट लाइन पे हूँ। मैं अभी सेकंड लाइन पे आ गया और ऐसे ही हम चलेंगे। आप देख सकते हैं अभी तो रोड खाली है। इवन आज संडे है लेकिन रोड पूरा खाली है। आगे थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिल गया तो बता नहीं सकता, लेकिन रोड पूरा खाली है। अभी हम चलेंगे, देखिए लास्ट में हम बताएंगे कहाँ चलेंगे। पहले हम आपको रोड दिखाते हैं कैसा दिखता है चाइना का रोड। देखिए ये सब रोड है, ऊपर से आप देख रहे हैं ना, ये सब ब्रिज है। तो ये मतलब हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे। इधर आपको मतलब ETC देना पड़ता है, मतलब पेमेंट करके जाना पड़ता है। ये जो है इसके अंदर आपको कुछ पेमेंट करने का नहीं है, अपना जाओ। ये शॉर्ट डिस्टेंस का रोड है। शॉर्ट डिस्टेंस में मतलब आपको कुछ देना वेना नहीं पड़ता। लॉन्ग डिस्टेंस में आपको पे करना पड़ेगा, वो भी डिस्टेंस के हिसाब से पता चलेगा मतलब कितना पे करने का है। और आप देख सकते हो कि रोड मतलब इधर गाड़ी मतलब एकदम रफ्तार में दौड़ रही है, मतलब कि इधर उधर आपको जाने का भी है मतलब, तो आप जाओ। मतलब गाड़ी बहुत फास्ट है इधर। और मतलब इधर क्या है मालूम है कि लेफ़्ट साइड में अपना कार चलती है पूरी, और राइट साइड में मतलब ट्रक हो गया, छोटे मोटे मतलब बड़े व्हीकल जो हैं वो राइट साइड में चलते हैं, और लेफ़्ट साइड में मतलब प्राइवेट कार चलती है सिर्फ। और आप देख सको मतलब ये मैं 80 के लाइन में अभी मतलब हूँ, और 80 का स्पीड है मतलब इधर। ये मतलब नॉर्मल हाईवे है, मतलब फास्टेस्ट हाईवे नहीं है, नॉर्मल हाईवे। मतलब 80 पे आप जा सकते हो इधर। और आप देख सकते हो कि लेफ़्ट साइड में बहुत सारी बिल्डिंगें बनी, मतलब इधर पूरा हरियाली है और हर जगह मतलब पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और ये मतलब ये सिटी में टाइम मतलब फिक्स नहीं है, कौन सी भी गाड़ी इधर आ सकती है ये सिटी में। अब जैसे कि मैं दूसरे कोई सिटी में जाता हूँ तो उधर क्या ना एक लिमिट है कि मतलब ये सिटी की गाड़ी इस सिटी में नहीं आ सकती इतने टाइम पे। तो आप कभी अभी आप देखेंगे ना इधर बोर्ड भी एक लगा रहेगा, मतलब 7 से 9 या इसे मतलब ये सब टाइम पे आप नहीं जा नहीं सकते इस सिटी में। और एक्चुअली ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पूरा, थोड़ा मतलब जो जिधर मैं अभी जा रहा हूँ तो उधर आप बहुत सारी गाड़ियाँ भी दिखेंगी। आज संडे भी है, अभी देखो पार्किंग मिलता है कि नहीं मिलता है वो तो वक्त की बात है, अभी जब हम उधर पहुँचेंगे तो पता चलेगा कि पार्किंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और मतलब है अच्छा मौसम है, और मैं भी आज सोचा कि आज संडे है तो जाऊँ थोड़ा घूमूँ और आप लोग को भी दिखाऊँ कि कैसा दिखता है चाइना, और चाइना का टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी कैसा दिखता है। तो मैं आप लोगों को रिकॉर्ड कर रखे आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप देखिए। और अभी तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अभी देखो कितना टाइम लगता है पहुँचने में। मेरे ख्याल से 10-15 मिनट है, और मतलब जिधर से मैं निकला उधर से इधर तक का डिस्टेंस 35 किलोमीटर्स है। अब उसके हिसाब से तो मैं जो हिसाब से गाड़ी चला रहा हूँ 10-15 मिनट में 20 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा। और लॉन्ग डिस्टेंस मतलब ठीक ही है, उतना वो नहीं है स्ट्रगल, ठीक है। लेकिन अभी मैं राइट में हो रहा हूँ, अभी लगता है मेरे को राइट में चलना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे को एग्ज़िट लेने का है। हाँ, ये नीचे से मेरे को अभी एग्ज़िट लेने का इधर से, अब देखो या एग्ज़िट ही है अभी। और ये है अपना अंदर से, अभी इधर भी देखो पूरा पेड़ पौधे लगे हुए हैं, राइट साइड लेफ्ट साइड हर जगह, मतलब इन्वायरमेंट का ध्यान रखा गया है हर एक हिसाब से। और मतलब ठंडा भी है मौसम इधर, लेकिन धूप भी बहुत है। अभी जैसे कि अभी मैं गाड़ी से उतरूँ तो बहुत धूप है। एक्चुअली मैं गाड़ी में बैठा हूँ तो ठंडा लग रहा है, लेकिन है पेड़ पौधे लगे हैं तो लगता है हवा हवा चल रही है, मतलब हर चीज़ से ठीक ही है एक तरह से। और अभी हमको थोड़ा सा बस और समय लगेगा पहुँचने में, और हम पहुँच भी चुके हैं, लगता है कि हम डेस्टिनेशन पर पहुँच ही चुके हैं। और आप देख रहे हो ना बहुत सारा मतलब एक्सप्रेस हाईवे है, मतलब इधर एक के ऊपर एक मतलब एक्सप्रेस हाईवे बनाए गए हैं। और आप देख सकते हो रोड भी मतलब खाली है, कुछ उतना वो नहीं है ट्रैफिक। इवन आज संडे भी है लेकिन कुछ इतना मतलब ट्रैफिक व्राफिक है नहीं। तो अपने को जाने का है फास्ट, जाने का फास्ट आने का है। और हम पहुंच भी चुके हैं, बस थोड़ा सा और टाइम है और फिर हम पहुँच चुके हैं। ये मतलब ये जो रोड है ये अपना 40 किलोमीटर और 40-60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप इधर गाड़ी चला सकते हो। उससे ज़्यादा चलाओगे तो सामने कैमरा लगा है आपका, फिर
पॉइंट कट जाएगा, 12 पॉइंट मिलता ही है चाइना में। मतलब गाड़ी चलाओगे एक साल में 12 पॉइंट मिलता है। अगर 12 पॉइंट चले गया आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा और फिर से आप पास हो गए ड्राइविंग में तो होगा। हर जगह देखो आप कैमरा लगा है इधर, मतलब हर जगह। मतलब अगर आप हाई स्पीड में भी गाड़ी चलाओगे तो आपका मतलब पॉइंट कट जाएगा और आपको फिर उसका फाइन देना पड़ेगा। और प्लस अगर आपने पूरा पॉइंट खो दिया फिर तो हो गया, तब तो आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। यही है मतलब इधर चाइना बहुत स्ट्रिक है। और हम पहुंच भी चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, अभी हम एंट्री करने वाले हैं। अब देखो ये आदमी है, वॉचमैन है, अब फटाक से ये अपना गेट खुलेगा, हम अंदर जाएंगे, देखो पार्किंग मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि आज संडे भी है और हमको देखना पड़ेगा पार्किंग। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो हमको फिर जाना पड़ेगा अपने घर पे, क्योंकि मेरे को इधर मगजमारी नहीं चाहिए कहाँ पे गाड़ी पार्क करूँगा। एक बार मिल जाए तो ठीक है, राम भरोसे अगर मिल गया तो बहुत ठीक है भाई, तो आप लोगों को मैं दिखाऊँगा अंदर का कैसा है क्या नहीं है। अभी देखो इतनी गाड़ी खड़ी है लाइन से, जगह है कि नहीं है वो भी नहीं पता है, लाइन से पूरी गाड़ी खड़ी है सब। मतलब इधर देखने का टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो सब देखने के लिए आते कुछ ना कुछ। हाँ एक मिली मेरे को पार्किंग, हाँ भाई मिल गई, अब इधर पार्क करूँगा मैं। देखो पूरी गाड़ी मतलब पार्क, राम भरोसे एक मिल तो गई आखिर में, पार्क कर दिया गाड़ी। अब चलो हम आपको अंदर लेके चलते हैं, यही है। अभी टिकट लेना पड़ेगा, अब इधर टिकट 120 रुपये कि 80 रुपये इधर का भाव है, मतलब कि 1500-1600 का ऐसे कुछ टिकट है, 1400 रुपये इंडिया के बराबर है, मतलब करेंसी अगर वो करूँगा तो। ये देखो मेरे को टिकट भी मिल चुका है अभी, अब हम चलेंगे अंदर और आपको हम दिखाएंगे कि कैसा मतलब अंदर का दिखता है। ये एक्चुअली एक ज़ू है, मैं आप लोगों को एक ज़ू में लेके आया हूँ, क्योंकि इधर मतलब आज मेरे को टाइम मिला, मेरे नज़दीकी था तो मैं सोचा दिखा देता हूँ। अब इधर देखो स्नेक और एलिगेटर बहुत सारे, मतलब अभी देखो इसके अंदर ये जो बना हुआ है ना, इसके अंदर मतलब हर एक किस्म के मतलब एनिमल्स रखे हुए हैं। अब इसके अंदर तो लगता है खाली है, कुछ है नहीं, और इसमें भी लगता है कुछ खाली है, मेरे ख्याल से मर गए हैं, है नहीं इसके अंदर। और इधर भी कुछ नहीं है, इधर मेरे ख्याल से नहीं है, कुछ भी नहीं है, इधर भी मर चुके हैं लगता, गायब है, इधर भी नहीं है, इधर हाँ एक पाया मैं अभी, एक ये है, ये भी सुस्त बैठा हुआ है, खाना मिला है कि नहीं मिला पता नहीं। और एक इधर ये मेंढक है, हाँ देख रहा है ऐसे कि खा जाएगा। हाँ ये ऊपर मतलब इसका पूरा डिटेल लिखा है कि कौन से कंट्री का कहाँ से आया। और एक स्नेक है इधर, बाप रे कि बहुत बड़ा है ये स्नेक, आप देख सकते हो बहुत बड़ा है। और ये अपना कुछ खाल वाल निकाल चुका है लगता है, ये बहुत सारा निकाला है, 2-3 खाल इसके अंदर, मतलब बहुत समय से इधर ही पड़ा हुआ है केज के अंदर, निकला नहीं है लगता है, बस खाना वाना डाल देते हो गया काम खत्म। अरे क्या खाता है मेरे को अभी पता भी नहीं लगता है, चूहा हुआ खाएगा अभी, इधर ही मिलेगा इसको खाने को और तो कुछ मिलेगा। और एक इधर भी भयंकर है भाई, ये तो पता नहीं कौन सा है भाई, ये एकदम देख के डर लग रहा है, इसका मुँह भी देखो आँख दिख रहा है भाई, ओ बाप रे। और एक ये इधर देखो, ये भी मिल गया अपने को, ये मेरे गाँव में बहुत दिखता है, पहले मैं इसको बहुत पकड़ता था, हाथी में नहीं आता था। एक ये है, ये भी स्नेक ही है, लाइन से पूरा स्नेक ही पड़ा है। ये पता नहीं कौन सा चूहा है, मेरे को कुछ पता भी नहीं चल रहा है कौन सा चूहा है भाई, अरे बाप रे। अभी ये इधर भी चूहा ही है मेरे ख्याल से, इसकी पूछ बड़ी बड़ी है, पानी भी रखा है, पता नहीं क्या है, एक्चुअली मैंने कभी देखा नहीं है, ये चूहा ही है ये, अभी होगा कोई बड़े प्रकार का चूहा कोई, मेरे को तो पता ही नहीं को क्या है ये, इसका मतलब ऊपर नाम वाम लिख के रखा है। ये देखो ये अपना एक, ये अपना पाइथन है, हाँ ये बड़ा वाला है भाई। और भी वो देखो एलिगेटर, बाप रे वो देख रहा है कि बाहर कैसे निकलूँ, किसी को पकड़ू खाऊँ। और इधर भी एक है, ये अलग अलग वेराइटीज़ के, मतलब इधर पाइथन, और मोस्टली ना ये मतलब दिया गया उसका पूरा डिटेल, मैं अभी ऊपर मतलब देख रहा था, बहुत सारा डिटेल दिया है कि कहाँ से लोग लेके आए हैं क्या है, बहुत है। और ये भी रेप्टाइल है, और उधर देखो बहुत बड़े बड़े अंदर उसके मेरे को दिख रहे हैं, अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये तो लगता है बच्चा है। उधर अंदर और भी बड़े बड़े रखे, यही है देखो कितने बड़े बड़े, बाप रे कम से कम 1-2 मीटर के हैं, इतने बड़े बड़े। ये लोग वेजिटेरियन है, ये लोग मतलब
वेजिटेबल खाते हैं, मांस वांस कुछ लोग लो कुछ खाते नहीं भाई। ये भी देखो एक बड़ा सा रखा है भाई, ओ माय गॉड। देखो इधर मैंने बोला था ना अभी, चाइना, इंडिया, कंबोडिया, लॉस, म्यांमार, यही सब है, मतलब इधर से लेके आए हैं लोग को। अब कैसा है मेरे को इतना पता नहीं है सब। इधर आप देख सकते हैं इतना, मतलब बहुत बड़ा यार। और ये मुर्गी रखी है किसको, पाइथन को खाने के लिए। अब ये जब खाली हो इसका पेट तो उसको चबाएगा, मिल जाए बस हाथ में। ये बहुत बड़ा, ये वाला में बहुत बड़ा है। अब ये भी लगता है, ये तो मैंने इसको कभी देखा नहीं है एक्चुअली में। ये मेरे को भी पता नहीं कौन सा एनिमल भाई, मैंने कभी देखा नहीं इसको। ये भी पहली बार मैं देख रहा हूँ। ये भी निकल रहा है, सोच रहा है कि कैसे बाहर निकलूँ। बहुत बड़ा है ये भी, ये मतलब दूर से देखो तो ही ठीक है। अरे ये ऊपर सोया हुआ है, एक ऊपर सोया है, एक नीचे घूम रहा है। और ये भी एक पाइथन है, दो पाइथन, बाप रे दो है इधर अंदर। बहुत बड़े बड़े ये लोग, मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 10 मीटर के होंगे दस। ये बाप रे, ये भी बहुत बड़ा है यार, ये 10 मीटर नहीं सॉरी, मेरे ख्याल से 3-4 मीटर के होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। और एक ये भी है, बाप रे, 1, 2, 3, 4 वे बहुत है यार इसके अंदर। ये अलग अलग पाइथन लेके मतलब डाल के रखे भाई, मैं तो सोचा और भी कोई। अरे कि ये एलिगेटर, मैंने 2 एलिगेटर देख चुका, पाइथन इतने देख चुका, स्नेक कितने वैरायटीज़ के अभी देख चुका हूँ। अब आगे देखो क्या मिलता है। ये तो मतलब छोटा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। और मैं इससे बड़ा एक्चुअली में मैंने देखा हूँ एक जगह पे, ये बहुत छोटा है। और ये टर्टल अलग अलग वैरायटीज़ के रखे हुए हैं, आप देख सकते हो। लेकिन ये जो टर्टल है एक ही वैरायटीज़ के है, बहुत सारे एक ही जगह पे रख दिए लोग। और आगे भी मैं देखा था है, ये साला सुअर है इधर, छोटे छोटे सुअर हैं के बच्चे हैं, और बहुत क्यूट दिखते हैं एक्चुअली। ये भेड़ और सुअर को साथ में रखे हैं, ये बकरी को दोनों को साथ में रखे, ये बहुत क्यूट दिखते हैं एक्चुअली। मैं लोग छोटे प्रकार के हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़े बड़े होते नहीं हैं। और ये देखो एक मेरे को अभी पकड़ रही है इधर, सोच रही कुछ है खिला दे भाई, कुछ है ही नहीं तो क्या खिलाऊँ तेरे को, देख रही है। अभी एक और है, बहुत है इधर, सुअर ही हैं आज इतने ज़्यादा, तो सुअर ही हैं पड़े, सो रहे हैं छोटे छोटे। देखो कितने मासूम से, मतलब एकदम बेहतरीन, मतलब छोटे छोटे हैं, प्यारे से दिखते हैं। देखो धक्का मार के उसको आ रही है। और ये इधर भी टर्टल है अलग अलग वेराइटीज़ के, ज़्यादा इतना कुछ नहीं। अभी मैं अंदर चल रहा हूँ, अंदर तो बहुत सारे एनिमल ये लोग ने ऐसा पोस्टर में लगा के रखा है, बाहर बहुत सारे मतलब अनगिनत एनिमल। अब अंदर जाके देखो क्या क्या मिलता है। अभी तो मैं अंदर ही मतलब पहुँच रहा हूँ, अब देखते हैं कि क्या क्या मिलता है। मेरे ख्याल से तो बहुत सारे, मतलब इतनी हरियाली है तो होंगे ही। अब देखे कितने हैं, और ये लोग बोल रहे थे टाइगर भी है, लायन है कि नहीं वो नहीं पता, टाइगर है लोग बोलते हैं, मतलब है अच्छे खासे हैं। मतलब पैसे वसूल हो जाने मांगते हैं, 1500 जो भरा हूँ वो वसूल हो जाए बस, उतना ही बहुत है। ये देखो टाइगर मिल गया, ये भी इधर टाइगर है भाई, बाप रे। ये मेरी दूसरी बार है मैंने टाइगर देखा, एक नेशनल पार्क में बहुत पहले मैंने इंडिया में देखा था, एक इधर देख रहा हूँ। देखो ये 3 है भाई, बाप रे 3। इधर भी ये लोग अलग अलग वैरायटीज़ के टाइगर रखे हैं, वो पता नहीं किधर से लोग लेके आए, मतलब वो ऐसा लिख के रखे कि ये इंडिया में भी पाया जाता है, ये इधर भी पाया जाता है। अब उधर से लोग लेके आए कि मतलब चाइना में है पता नहीं, लेकिन है बहुत सारे हैं। और मतलब अलग अलग केज में रखा है। ये देखो पीकॉक है इधर, मतलब ये भी 2-3 वेराइटीज़ है। और लोग का मतलब एकदम बाकायदा कार्ड बाहर लिख के रखे कि कहाँ पे ये ओरिजिन है, कि मतलब कौन से प्रकार के एनिमल हैं, क्या है क्या नहीं। अब मालूम है कि इसके अंदर बहुत सारे टाइप भी हैं, अलग अलग टाइप के भी। अभी मैं एक कंगारू देखा था और ब्लैक एंड वाइट है, मैंने वाइट कंगारू ज़िंदगी में नहीं देखा, लेकिन इधर है ऐसा बोलते वाइट कंगारू भी है। अब देखते हैं कैसा वो है, क्या है क्या नहीं, मैं तो देखा ही नहीं हूँ आज तक वाइट कंगारू, अब देखने पर पता चलेगा। तो पिकॉक है अभी देखो एकदम अच्छा है ये, मेरे को मतलब इसका जो ऐसे लोग बना के रखे रहते हैं ना तो मस्त दिखता है सामने से। अभी ये पीछे से ऐसा खड़ी है, दिख ही नहीं रहा है आगे, एक्चुअली में पीछे से दिख रहा है सिर्फ, आगे नहीं दिख रहा है। अब अंदर चलते देखते क्या है। इधर मेरे ख्याल से मंकी का केज है। अब इधर भी अलग अलग वेराइटीज़ के मंकी है, अब देखते हैं कौन कौन से हैं, क्या है क्या नहीं। इंडियन मंकीज़ भी हैं, चाइनीज़ मंकीज़ भी हैं, मतलब हर एक प्रकार के हैं। अभी ये मंकी मैंने कभी देखा नहीं एक्चुअली में, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। ये मेरे ख्याल से इथोपिया या अमेरिकन मंकीज़ है, मतलब
उधर के हैं, फॉरेस्ट के मंकी हैं। अब इतना आइडिया नहीं है कहाँ का है एक्चुअली। ये तो देखा हुआ अपने इंडिया में भी ऐसे मंकी आप देख सकते हैं, मतलब एकदम लोग अभी इधर से मतलब बीच में ये होल है ना इसमें से खाना डालते हैं लोग, मतलब टूरिस्ट लोग को पे करना पड़ता है, डालते हैं लोग खाते हैं। देखो एक बच्चा है इसके अंदर, ये अलग वेराइटीज़ का मंकी है। इधर मतलब फोर है, एक बच्चा है, मतलब ऐसे सोए हैं, वो भी मैं दूर से फ़ोटो ले रहा हूँ, ये बहुत अंदर है, लोग बैठे हैं आराम कर रहे। देखो कितना दूर है, इतने दूर से मैं ले रहा हूँ वो दिख रहा है। ये भी ये इंडियन मंकी है, लोग ऐसा बाहर लिख के रखे बोर्ड, दिस इज़ अ इंडियन मंकी और ये दिस इज़ दिस कंट्री में पाया जाता है। मतलब 5-6 कंट्री का लोग ने नाम लिख के रखा है कि ये कंट्री में पाया जाता है। अभी मैं ठोक रहा बाहर आ भी नहीं रहा हूँ। देखो ये भी अब पता नहीं क्या है, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ इसको, मैंने कभी देखा नहीं। एक्चुअली में स्क्वायरल की तरह है लेकिन मैंने कभी देखा नहीं है, पहली बार मैं भी देख रहा हूँ। ये स्क्वायरल की तरह दिखता है, देखो कितना बड़ा है, इसका पूंछ एकदम बड़ा है और ऐसे मतलब हर एक बॉक्स के अंदर एक तो दिख जाएंगे। ये देखो ये भी अलग क्वालिटीज़ का मंकी है। अभी इसको मैं आपको एक अलग चीज़ दिखाता हूँ, जब उठेगा तब चलेगा तो दिखाता हूँ वैसा तब देखना आप इसको। ये भी एकदम बुढ़े जैसा है और ऐसा है, देखो ये अभी एक मिल गया कुछ, ये देखो पीछे देखा आपने अभी क्या है, कौन से प्रकार का मंकी मैंने कभी देखा नहीं हो। देखो सामने से राइट लेफ्ट इसके बाल है, बीच में बाल ही नहीं है और गाड़ी के पीछे और ही बाल नहीं है। और ये तो एकदम खतरनाक है, मैं इसको बुला रहा हूँ आई नहीं है मतलब। और देखो ऐसे ही है ये सब, मतलब ये इधर 1, 2, 3 इधर है, 1-4 वो उधर गया, ये 4 है, ये तो बड़े बड़े हैं एकदम। एक्चुअली मैं बहुत जगह देखा हूँ इसको खाते भी हैं, और पता नहीं मतलब क्या है, मतलब मैं बहुत इंटरनेट पे देखा हूँ इसको खाते भी, इसके अंडे को मतलब बॉईल करके क्या आमलेट बना के खाते क्या करते हैं ये लोग। ये लोग का मुंह देखो ना, देख कर डर जाएगा भाई, ऐसा लगा खा लेगा। आँख देखो कितनी बड़ी बड़ी है, ऐसा देखो मुँह आगे खोल के रखा है, ऐसा खा ही लेगा। हाँ बहुत बड़ा, इसका पैर वैर एकदम तगड़ा है, मोटा मोटा, ऐसा लगता है कि बहुत सारा खा के रखा है। देख रहे हो ऐसा चल रहा है, पैर बहुत पतले पतले, ऊपर ही बहुत मोटा सा है, तगड़ा सा। उसके लेफ्ट साइड में भी और रखा है, वो अलग वैरायटी का, मेरे ख्याल से वो ऑस्ट्रेलिया का है, ये अब पता नहीं यही है, ये ऑस्ट्रेलिया का है कि कहीं का है। ये लोग छोटे छोटे हैं और ज़्यादा बड़े भी नहीं है एक्चुअली में, और ख़तरनाक लोग भी दिखते हैं। पता नहीं इसके मुंह में क्या फंसा हुआ है, कभी से निकालने की कोशिश कर रहा है, इसको भी बुला रहा आता ही नहीं, मतलब देख ही नहीं रहे लोगों को। अभी आगे चलते हैं कि क्या है क्या नहीं। इधर मतलब लाइन से मतलब दुकान है, आप कुछ खा लो, कुछ खरीद लो, क्या कर लो, हर चीज़ के लिए मतलब बना के रखे हैं लोग। अब इधर क्या कि अगर एक बाटली पानी भी लोगे तो थोड़ा महंगा मिलेगा, मतलब बाहर के मुकाबले और ज़्यादा महंगा है, मतलब एक्सपेंसिव है। इधर ज़्यादा उतनी भीड़ है नहीं, ज़्यादातर आदमी लोग पानी वानी या घर से स्नैक्स लेके आते हैं और ऐसा कुछ है नहीं। इधर देखो एलिफेंट है, और इधर मतलब अलग अलग प्रकार के एलिफेंट भी है ये जू में, मतलब अलग अलग प्रकार के, एक वेराइटीज़ के भी नहीं है। मतलब अभी जो मैं देख रहा हूँ वो मेरे ख्याल से मैं तो देखा हूँ इसको पहले भी। इधर बोलते हैं कि एक दूसरा भी है कहाँ से, वो बहुत अंदर है, उतना मैं जाऊँगा भी नहीं, थोड़ा अंदर ही तक जाऊँगा, उससे ज़्यादा अंदर जाऊँगा थक चुका हूँ पूरा। देखो ये ऐसा है, मतलब एक इधर आदमी बैठा उसको कुछ देगा और वो खाए, बाहर आएगा नहीं, उधर ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा, उसको बोलेगा दे, देखो फिर मांग रहा है, वो फिर फेंकेगा अभी और ये फिर खाएगा। अभी देखो फेंक दिया, अभी वो फिर जाकर उठाएगा खाएगा, फिर आएगा उसके पास, फिर अपना मुंह ऊपर करेगा और फिर मांगेगा, ऐसे ही करेगा। अभी ढूंढ रहा है कि कितना फेंका कितना नहीं मिला कि नहीं मिला, ऐसा ही है, ये ढूंढ रहा है। देखो ऐसा ढूंढेगा अभी, मतलब कितना क्या फेंका है क्या नहीं। अभी ये देखो ये मंकी को कैसा बैठा हुआ है, जैसे देखो कुछ फिक्र ही नहीं है ये देखो कैसा है, उसको बुला रहा हूँ कुछ सुन ही नहीं रहा है। उधर क्या ना कि नीचे से बील है, उधर आदमी खाना डालते हो घिसता है खाता है। और ये भी रैक्कून था, वो दिख नहीं रहा था, और ये भालू है, ये दो ही हैं लगता है, इधर है भी नहीं ज़्यादा, तो ये
तो ऐसा लग रहा है कि खाए नहीं है कुछ, एकदम पतले पतले बच्चे हैं लोग, ज़्यादा बड़े भी नहीं है। और ये कुछ ऐसा अंदर का दिखता है इधर, मतलब कि अम्यूजियन पार्क जैसा है। अभी बच्चे लोग इधर खेलेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं इधर है। और इधर ये भाई, ये अभी यही मेरे को देखने का था एक्चुअली। मैं इसी को देखने के लिए आया था, मैं कभी इसको देखा नहीं हूँ एक्चुअली। मैं मेरा पहली बार है अपना इसको मैं देख रहा हूँ। ऐसा लगता है डायनासोर है, डायनासोर की स्पीसीज रह चुकी है मतलब अर्थ पे, ऐसा ही कुछ दिखता है। अब देखो एकदम बड़ा बड़ा, ये मैं पहली बार इसको देख रहा हूँ, मैंने कभी इसको देखा नहीं एक्चुअली में। ये भाई बहुत बड़ा, इसकी गर्दन देखो ऐसे लोग, मतलब ना घास वास, इसका मतलब जो घास भी दे रहे हैं ना इसको, मतलब उधर एक आदमी है, स्कैन करके पैसा दो तब घास देगा वो और आप डालो और ये खाएगा, यही है। और घास का भी कुछ मेरे ख्याल से 100 या 200 रुपया देना पड़ता है, तो थोड़ा सा घास देगा और खिलाएगा। और ये ज़ेब्रा है इधर, आप देख सकते हो ज़ेब्रा है, मतलब ये कमी है, ज़्यादा है नहीं। और ये भेड़ बकरी है, ये भी अलग अलग वेराइटीज़ की भेड़ है, कोई छोटी है कोई बड़ी है। और हिरन भी है इधर अपना, और ये ऊंट है भाई, ये कैमल। अभी देखो एक कैमल के साथ हॉर्स रख दिए दोनों साथ में, दोनों एक ही जैसा दिखते भी हैं एक्चुअली में फेस से, बस थोड़ा सा हाइट में ही फर्क है। और ये अपना क्या है, ये क्या है भाई, ये तो मेरे को दिख भी नहीं है। हाँ ये हिरन है, दिख गया, ये हिरन है। अभी इसके अंदर भी बच्चे भी हैं छोटे छोटे, ये ही है देखो कंगारू, वाइट कंगारू ये है और एक ब्लैक उधर है। ये मतलब छोटे हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं है। अभी क्या है एक्चुअली में, कंगारू जैसे ही दिख रहे हैं मेरे ख्याल से। ये देखो कंगारू, इतना पता है वो छोटे टाइप में, छोटे कंगारू हैं और ये बड़े हैं। ये लोग भी, ये लोग का पैर पीछे का बड़ा है, बाकी ये एक चूहा है ऐसा, बहुत हरामखोर है। ये देखो इसका दांत देखो ना, मैं इसका दांत देख के डर गया, मैं हाथ आगे नहीं किया, मैं सोचा खा जाएगा मेरा हाथी। देख रहा है देखो इसको, को कुछ चाहिए मिल जाए बस। और ये छोटे छोटे हैं ये लोग, ये मेरे को अच्छा लगता है, मैं सोचा था एक बार खरीदूँगा घर पे, लेकिन मिलता नहीं है ये, चाइना में बहुत है, मतलब बहुत लोग घर पे रखते हैं इसको पालने के लिए। ऐसे बैठा रहता है मतलब, इधर उधर घूमेगा, छोटे से रहते हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं रहते। और यही देखो ये बंदर है, और देखो ये हाथी दूसरा, ये हो गया। और फिर है अभी ये क्या, ये भालू भाई डांस कर रहा है, ये गाना लगा इधर उधर घूम रहा है, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, अभी रुक गया है। इसको मैं फिर से ऐसा कर रहा हूँ तो इधर उधर देखो घूम रहा है, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। अरे पता नहीं क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं। और अब हम चलते हैं अपने ठिकाने पे, हो गया आप लोगों को दिखाया। अभी हम चल रहे हैं कैफे और पीऊँगा कॉफ़ी और फिर जाऊँगा घर पे। अभी कॉफ़ी एक्चुअली मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँगा, मैं मैंगो जूस पीऊँगा। अब यही देखो ऑर्डर करता हूँ मैंगो जूस, सब आएगा। यही कुछ ऐसा कैफ़े दिखता है चाइना का, आप देख सकते हो। ये ज़्यादा बड़ा कैफ़े नहीं, छोटा कैफ़े है मतलब, लेकिन इधर अच्छे से मतलब क्वाइट है, ज़्यादा इधर नॉइज़ वॉइस है नहीं। अभी लोग बनाएगा, लेके आएगा मैंगो, मैंगो शेक है कुछ, और फ्रेंच फ्राइज मंगाया हूँ, और देखते हैं आ गया। यही ऐसा कुछ दिखता है, मैंगो जूस और फ्रेंच फ्राइज है, ये फ्रेंच फ्राइज है और ये मैंगो जूस, ये खाऊँगा भी मैं आराम से। और ये भी मंगा लिया हूँ अभी, ये देखो ये रोटी की तरह है। और आप देख सकते हो मतलब दो है, खा लिया भाई। अब हम चलते हैं अपने घर पे, और आज का ब्लॉग समाप्त हुआ, फिर से मिलेंगे कोई नए ब्लॉग में। प्लीज़ अच्छा लगा वीडियो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़।